सेवियों से बनाए 20 मिनट में ये डिलिशियस डिज़र्ट जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। वर्मिसली कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे देसी घी और उसी के बाद हमारी सेवियां यानी वर्मिसली। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट तक ताकि इसमें एक अच्छा कलर आए। आप देखें ये परफेक्टली अब रोस्ट हो चुकी हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। आप फुल फैट या लो फैट कोई भी दूध ले सकते हैं। अब दूध डालने के बाद हमें इसको काढ़ना नहीं है, इसके साइज़ को रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ इसमें 2 से 3 बॉयल्स लाने हैं। आप देखिए दूध में उबाले आ गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे केसर और इलायची पाउडर। इसी के साथ आप डालें रोस्टेड वर्मिसली और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक ताकि जो सेवियां हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। आप साइड की मलाई को स्क्रेप करते रहें। ये बहुत ही क्रीमी मज़ेदार कस्टर्ड सेवियां बनती हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस पॉइंट पे आप देखें ये बहुत पतली हैं, पर जैसे जैसे कुक होती जाएंगी ये स्वेल अप हो जाएंगी यानी कि मोटी हो जाएंगी। तो आप मीडियम फ्लेम पे अब इसको पकाएं, बीच बीच में स्टर करते रहें। यहाँ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ठंडा दूध। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमेशा आप ठंडा दूध डालें, कभी भी गर्म दूध नहीं डालें वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो आप अच्छे से मिक्स करें। तो लीजिए हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। सेवियों को अगर अब हम देखें तो आप देखें ये कुक हो चुकी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये अब मोटी हो गई हैं। इसमें अब हम डालेंगे चीनी, काजू और बादाम। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब आप इसको पकाएं तब तक जो चीनी है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। आप ध्यान रखें हमें इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना क्योंकि कस्टर्ड डालने के बाद भी ये थिक होगी। आप देखें बहुत प्यारा कलर आया है इसका। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड को हमेशा आप थोड़ा स्टर कर लें डालने से पहले क्योंकि नीचे कई बार ये रह जाता है। अब लगातार स्टर करते हुए आप कस्टर्ड डालें, इससे लम्स आपके कभी भी नहीं पड़ेंगे। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो गुठलियाँ पड़ सकती हैं। अब हम इसे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। आप देखें अभी ये पतला है बट धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो आप देखें कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट हमारा वर्मिसली का बना है। तो हम बस इस पॉइंट पे अब गैस बंद कर देंगे, इसको और हम कुक नहीं करेंगे। ठंडा करने के बाद हम अब असेंबल करेंगे। तो एक ग्लास में मैंने डाला है अनार, उसी के साथ केले और अब हम डाल रहे हैं ठंडी ठंडी कस्टर्ड सेवियाँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स डालें। जब सीज़न होता है तो मुझे इसमें मैंगोज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने डाले हैं एप्पल्स और उसके ऊपर एक और लेयर सेवियाँ कस्टर्ड की। अब आप गार्निश करें इसको बादाम और कुछ और अनार के दानों से। तो इस त्योहारों पे आप ये ज़रूर बनाएं, आई प्रॉमिस आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी हटके है ये रेसिपी, सेवियां और कस्टर्ड का मिक्सचर बहुत क्रीमी और मलाईदार बनती है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।